the topic आपका growth scientist में रखा, ठीक है? Bentham and Hooker, Davis, Bentham, Bentham और Hooker. इनका company जो name था, इनका नाम वो था George Bentham. ठीक है, और होकर का तो अपनी नेम था जोसेफ डैनियल होकर. क्या नाम था? जोसेफ डैनियल होकर, ठीक है, जोसेफ डैनियल होकर. तो उन्होंने कंप्लीटली लिया था और फिर भी बॉडी एक्सरसाइज से ग्रोथ करते हुए उसने इसको कंप्लीटली नाम दिया था, ठीक है. इनका जो पीरियड रहा है वो रहा है आपका 1800 to 1864, ठीक है. और इनका रहा है 1870 to 1911, 1870 to 1911, ठीक. ये इनका पीरियड रहा है. ये दोनों साइंटिस्ट थे, दोनों ही बिलोंग करते थे रॉयल बॉटनिकल सोसाइटी या रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ठीक है. ये दोनों साइंटिस्ट इससे बिलोंग करते थे. इन्होंने जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया था वो दिया था आपका स्टोराइड ऑफ डेटाबेस, ठीक है. तो इन्होंने अपनी बुक पब्लिसाइज की थी, इनकी बुक थी, ठीक है, और उस बुक का नाम था जेनेरा प्लांटेरा. ठीक है, और ये बुक उन्होंने पब्लिसाइज की 1862 1883, उन्होंने इस बुक को पब्लिश किया था. इस बुक का जो पैटर्न था वो था आपका स्टोमेटा. यहाँ पर उन्होंने इस रीजन में राइट किया था दैट इज कॉल्ड स्टोमेटोफाइटा. स्टोमेटोफाइटा यानी कि सीडिंग प्लांट, वो पौधे जिसमें सीड प्रेजेंट होते हैं, सीडिंग प्लांट्स, ठीक. स्टोमेटोफाइटा के बीच पर उन्होंने किया था स्पीसीज को तीन कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. कितनी कैटेगरी में? तीन कैटेगरी, डाइकोटोलेडॉन, मोनोकोटोलेडॉन और जिम्नोस्पर्म. डाइकोटोलेडॉन मोनोक्लिनाइड,
यहाँ पे पॉली जो पेटल्स होते हैं क्या फ्री पेटल्स होते हैं, डेमो क्या होते हैं यूनाइटेड या बोल सकते हैं फ्यूज। और इसमें क्या होते हैं कोई पेटल्स नहीं होते, डिस्क्रिप्शन किसका वेलकम और होटल। एक बार थोड़ा रिवील कर लेते हैं वेलकम और होटल जो साइंटिस्ट थे, वेलकम कंपनी नाम था जॉर्ज वेलकम, और कंपनी का नाम था जोसेफ कार्लटन। जॉर्ज वेलकम की तब 1864 था और जोसेफ कार्लटन होटल का जो डेट था 1872-1911। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के एक ग्रुप पर रिसर्च की थी 1862-1883 में, जिसका नाम था जेनरल प्लांटेरा। ठीक है, जेनरल प्लांटेरा जो बुक थी उसने की डिस्कवर में प्लांट्स को थ्री कैटेगरी में शुरू किया गया था। ठीक है, और इसका जो मेथोडोलॉजी क्या है डिस्कवर में प्लांट को डिस्क्राइब किया, यानी कि सीबूम प्लांट को इसको डिस्क्राइब किया। ठीक है, डाइकोटोमिनम जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटोमिनम। डाइकोटोमिनम में 165 फैमिली फॉर थी, मोनोकोटोमिनम में 34 फैमिली फॉर थी। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म में 3 फैमिली फॉर थी। डाइकोटोम जो थ्री फैमिली सॉरी 165 फैमिली थी, इनको उन्होंने 3 ड्राइव किया, पॉलीपेट्रस डेमोपेट्रस और मोनोपेट्रस। ठीक है, पॉलीपेट्रस होते हैं जो फ्री पेट्रस प्लांट होते हैं प्लांट्स, डेमोपेट्रस में होते हैं उनके पेट्स होते हैं यूनाइटेड होते हैं। ठीक है, और मोनोपेट्रस में क्या होता है कोई पेट्रस खिंचाए नहीं होता है। ठीक है, तो ये इनका डिस्क्रिप्शन है इसका डेंटल ऑफ होता है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं और साइंटिस्ट हैं
ये क्या था आपका? थैलोफाइट, थैलोफाइटा, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन आपका ब्रायोफाइटा, और ये था आपका थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा पेरिडोफाइटा। उसी तरीके से पेनेलोगामी को नाम है, इन्होंने दो कैटेगरी में शुरू किया गया, क्या था? और वो दो कैटेगरी क्या थे? वो दो कैटेगरी थी जिम्नोस्पर्म और आपका एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो ये इनका डिस्क्रिप्शन है किसका? एक रूप आई पर। तो ये सारे हो सकता है, तो आपको क्लियर होगा यहाँ पे चाहो तो इसको शेड्यूल का डिस्क्राइब करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि टाइप, फर्स्ट
न्यूक्लियस, सेकेंड सेल वॉल, नेक्स्ट आपका न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन और हो जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन। Of mutation, ठीक है।
the mode of inhibition. छोटी बात में हो सकता है बड़ी भी आते हैं तो क्या होता है आपका एक होता है ऑटोट्रॉपिक इन्हिबिशन क्या थे टू किंगडम क्लास के नीचे प्लांट और एनिमल्स ठीक है
तो वो कौन थे आपके प्रोटीन में क्लास में सिस्टम थे एरिस्टोटल, ठीक है। तो तो आप जानते हैं इसलिए दिया था आर एच
vegetable. Potato ka same. Banana. Protista. Fungi. Plum. और एनिमल, ठीक है? तो इस अध्याय का आपका कटिंग लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट 16 नंबर क्लास 8 से थोड़ा बहुत डिस्कस तो ये दिया था आपने बोस कार्ल बोस कार्ल बोस पूरे मीटिंग आर के बैक्टीरिया दूसरा यू बैक्टीरिया ठीक है आर के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया प्रोटेस्टा दूसरे लोगों ने मोनेरा दो कैटेगरी में आर बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया प्रोटेस्टा इसके बाद प्रोटेस्टा में आपका फंगाई प्लांट और एनिमल ठीक है ये से सिक्स किंगडम क्लास सिक्स तो स्टार्ट करते हैं शुरुआत से ही ठीक है टू किंगडम क्लास सिक्स सिस्टम किसने किया था एरिस्टोटल ने उन्होंने प्लांट और एनिमल को डिस्क्राइब किया इसमें उन्होंने प्लांट को डिस्क्राइब किया था उनको उन्होंने तीन कैटेगरी रखा था थ्री हर्ब एंड सर्व और एनिमल को उनकी आरबीसी सेल्स के बीच पर यानी जिसके बारे में प्रेजेंट होती है उसको प्रेजेंट नहीं होती ठीक है किसी ने लीनियस ने थोड़ा डिस्कशन किया लीनियस ने क्या किया प्लांट को उन तीन कैटेगरी की बजाय उन्होंने क्या किया प्लांट को चार कैटेगरी में डिफाइन कर दिया ठीक है हर सर अंडर सर और